माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर्मचारी बचत व सहकारी साख समिति के आज 5 वर्ष के पश्चात आज चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में ये चुनाव की प्रक्रिया सहकार भवन के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें निर्वाचन अधिकारी मेयर मैडम है। आज के में कुल 18 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें से 9 प्रत्याशियों का चयन होना है उम्मीदवारों का, जिसमें से 8 जनरल के होंगे और 1 SC का भाई होगा। इसी प्रकार 3 प्रत्याशी जो पूर्व में चयनित हो गए हैं, जिसमें 2 महिला प्रत्याशी पूर्व में चयनित हो चुकी है निर्विरोध और 1 प्रत्याशी ST का पूर्व में निर्विरोध हो चुका है। ST का पूर्व में निर्विरोध हो चुका है। आज का वातावरण बहुत ही स्वादपूर्ण वातावरण है, बहुत ही मस्ती में लोग बाग अपने वोट देने आ रहे हैं और ये प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी। उसके पश्चात मतगणना की गिनती प्रारंभ होगी। उसके बाद 9 प्रत्याशियों का जो निर्वाचन के घोषित होंगे, उसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। नाम धन्यवाद। नितिन दोषी, वर्तमान में अभी सचिव कोऑपरेटिव सोसाइटी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर्मचारी सहकारी बचत व साख सहकारी समिति के चुनाव के तत्वाधान में जयपुर प्राधिकरण से, चुनाव प्राधिकरण से हम लोगों को यहाँ लगाया गया है और कुल 18 प्रत्याशी हैं और मतदाता आपके 402 हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपना कैंडिडेट चुनेंगे। एक बार है ना बोर्ड मेंबर्स का चयन हो जाएगा, उसके बाद बोर्ड मेंबर्स आपस में पदाधिकारी चुनेंगे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष, वो कल होगा। मेरा नाम मेहर अफरोज, मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से हूँ, चुनाव अधिकारी। मैं सजीव पाल कुमावत, चेयरमैन दिल्ली पब्लिक स्कूल अजमेर। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। प्रिंसिपल DPS अजमेर, आई ऑल्सो विश हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द व्यूअर्स। बेहतर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में समस्त प्रदेशवासियों को राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ द्वारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्लॉसम साला परिवार की तरह से सभी अजमेर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस देश की आज़ादी में जो शहीद हुए हैं उनको नमन करते हुए हमारा ब्लॉसम साला परिवार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।